आजकल हम देख रहे हैं भारत में एक बिल पास हुआ है, इस जाति के लोग नागरिक रहेंगे, इस जाति के लोग नागरिक नहीं रहेंगे। कुछ लोग उबल रहे हैं, कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा अंदर जाकर देखो तो कोई व्यक्ति किसी जात का नहीं है। जात पात का झगड़ा ही बेकार है। एक यदि हम लौकिक दृष्टि से देखें तो सब मानव हैं, सब इंसान हैं, सबकी एक ही जाति है। नहीं तो मुझे बताओ, हिंदू मुंह से खाता है या मुसलमान? सब मुंह से ही खाते हैं। हिंदू नाक से सूंघता है या मुसलमान? सब नाक से ही सूंघते हैं। श्वास सब लोग कहाँ से लेते हैं? नाक से, मल द्वारों से। सबके मल ही निकलता है, अमृत नहीं निकलता। तो प्रभु अंतर कहाँ हुआ? और दूसरी तरफ से विचार करके देखें तो हम सब एक ही जात के हैं। क्यों? हम सब जीव हैं। जहां देह अपनी नहीं, तान अपना कोई। अरे हम सब जीव हैं, हम सब आत्मा हैं। कोई कोई जात का नहीं है, कोई कोई पात का नहीं है। ये जात पात कहाँ से ले आए? ये झंझट कहाँ से ले आए? अरे सब दुखों का मूल पर्याय दृष्टि है, पर्याय से देखना है। और जात पात पर्याय में ही होती है भाई, वरना मूल में देखो तो सब जीव हैं, सबकी एक ही जात है। सब जानन हरे भगवान है, सब जानने देखने वाले हैं, सब आत्मा है। यदि हम सबका दृष्टिकोण ऐसा बन जाए तो सरकार को भी कोई बिल पास ही ना करना पड़े, और यदि दुर्भावना से पास किया है तो वो काम भी ना करना पड़े, और यदि सद्भावना से पास किया है तो वो काम भी ना करना पड़े। बाहर में सब मिलजुल कर रहे और अंदर में सब मिलजुल कर भगवान बने, सुखी हो। इसलिए मेरे भाई, बाहर में मानवीयता को प्रमुखता दो और अंदर में जीवत्व को प्रमुखता दो, क्योंकि अंतरंग से सबकी एक ही जाति है कि सब जीव हैं, सब भगवान हैं, और बाहर से सबकी एक ही जाति है कि सब मानव मात्र हैं, सब इंसान हैं। और इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम लड़ने मरने के लिए पैदा नहीं हुए, हम मिलकर रहेंगे। सबका वतन है, सब मिलकर रहें। कोई वतन के खिलाफ ना सोचे, कोई किसी के खिलाफ ना सोचे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सच बात तो ये है कि जिन्हों को मजहब से मतलब नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी है, अथवा अन्य अन्य जिनको सांप्रदायिकता ही इष्ट है, वे इस तरह के प्रसंगों में आपस में लड़ा भिड़ा कर फिजा को, देश की सौहार्द को, आपसी भाईचारे को आग में फूंकते हैं, न्योछावर करते हैं। अन्यथा तो एक एक जीव बराबर समान है, एक एक इंसान समान है। हर घर की माँ बेटी मेरी माँ बहन है, हर घर का भाई मेरा भाई, और हर घर का पिता मेरा पिता है। यदि हम सबकी सोच इतनी बड़ी हो जाए तो सारा संकलेश, सारी लड़ाई ही मिट जाएगी। हम लड़े नहीं, लाड़ करें, लाड़ विचारना भाई।